हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जिंक हाफ सेल, कॉपर हाफ सेल के बारे में पढ़ाया था। दोनों को हमने अटैच किया था। अटैच करने के बाद जो बल्ब हमने यूज किया था वो ग्लो करना स्टार्ट कर गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इसका था जिंक रोड का, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया वो इसके थ्रू, इस वायर के थ्रू एज बिहेव किया उसने, किसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की तरह बल्ब ग्लो किया और यहाँ पे वो एक रिडॉक्स रिएक्शन की फॉर्म में तब्दील हुआ। और इसको हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रो पोटेंशियल बोला था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक रोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर रोड। फिर मैंने आपको बताया था कि जिंक जिंक टू पॉजिटिव में जा रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर में जा रहा है, तो उसके बाद मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिखी थी। फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर इतने जिंक टू पॉजिटिव आयन बनेंगे, इतने जिंक टू पॉजिटिव आयन बनेंगे कि जाने वाला नेगेटिव चार्ज जा नहीं पाएगा। क्यों जा पाएगा? क्योंकि जिंक टू पॉजिटिव उसका अपोज करेगा। सिमिलरली अगर वो चला भी गया तो यहाँ पे इतना नेगेटिव जनरेट होगा, इतना नेगेटिव चार्ज है कि वो तो क्या करेगा, रिपेल करेगा और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा। और उस इक्विलिब्रियम के ऊपर, उस इक्विलिब्रियम के ऊपर जितना चार्ज इस सेल के ऊपर है, अब मैं कंप्लीट सेल की बात करूंगा, वो चार्ज को मैंने बोला था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोला था मैंने उसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो नेक्स्ट है कुछ ऐसा है, मैं नेक्स्ट है, मैंने बोला कि ई सेल इक्वल टू किसके होगा, ई सेल यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू ई सेल इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक रोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सी रोड। यस, ये होगा। नोट करता हूं, ई जेड एन से जेड टू पॉजिटिव प्लस ई सी यू टू पॉजिटिव टू सी यू, दिस इज ई सेल। ये ई सेल होगा, ई सेल। अब मेरे पास इसको कैलकुलेट करने के कुछ एक मेथड है, उनके बारे में डिस्कस करूंगा और कुछ एक बातें और डिस्कस करूंगा मैं। कैसे, जैसे मान फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे को, अब मैं एक चीज डिफाइन कर रहा हूं यहां पे, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन से हटके जा रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन कहां पे हुआ, ऑक्सीडेशन कहां पे हुआ, तो आप यहां पे बोलोगे कि जब जिंक टू ध्यान देना प्लीज, जिंक टू पॉजिटिव में गया आफ्टर लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और इसके पास चार्ज क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जिंक यहां पे नेगेटिव चार्ज छोड़ के गया था। यहां पे क्या हुआ, कॉपर टू पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन खाने के बाद किस में गया, कॉपर में गया। यहां पे क्या हुआ, रिडक्शन। यहां पे क्या हुआ, रिडक्शन। यहां पे चार्ज क्या आया, पॉजिटिव। तो कभी भी हम चार्ज के बेस पे एनोड को, ध्यान देना प्लीज मैं क्या बोल रहा हूं, एनोड को और कैथोड को डिफाइंड नहीं कर सकते। वी नेवर कंक्लूड एनोड एंड एंड कैथोड एंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बिहाफ पे हम कभी भी एनोड को कैथोड को डिफाइंड नहीं कर सकते। हम हमेशा ही एनोड उसको बोलते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिस रोड का ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है, और जिस रोड का रिडक्शन होता है वो क्या है, कैथोड है। तो यहां पे मैं एक बात लिखता हूं, एनोड कौन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। अगर ये दिखाई ना दे तो मैं बोल भी रहा हूं, ऑक्सीडेशन उसका होगा जो एनोड पे वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन होगा। अब एनोड को मैंने डिफाइन किया, एनोड कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। कैथोड कौन होगा, कैथोड, रिडक्शन टेक प्लेस। जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड पे होगा, किस पे होगा, कैथोड पे होगा। अब मैं इस सेल के अंदर आऊं तो जो जिंक है उसका उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये क्या होगा,
एनोड और ये क्या होगा कैथोड। तो यहां से एक बात और सामने आई, जानने वाली बात ये है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक रोड, अब ऑक्सीडेशन किसका होगा एनोड का, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर रोड, रिडक्शन किसका होगा कैथोड का। तो मैं ई सेल यहां से यह भी लिख सकता हूं कि पोटेंशियल एट एनोड एंड प्लस पोटेंशियल एट ऑक्सीडेशन और यहां पे मैं रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड एंड, कैथोड एंड। यस, मैं यहां से ये भी कंक्लूजन निकाल सकता हूं। अब मैं दूसरी बात पे जाता हूं, दूसरी बात जाता हूं कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि ये वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट हम कैलकुलेट करते हैं और कैसे करते हैं वो मैं मेरे आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। जो अगर मैं बात करूं ई जेड एन से जेड एन टू पॉजिटिव, ये क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक है, तो इसकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है इसकी 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। और दूसरा मैं डिफाइन करूं ई सी यू टू पॉजिटिव टू सी यू, ये होती है 0.34 प्लस, यस प्लस, ये भी प्लस, ठीक है। सी यू टू पॉजिटिव सी यू में गया खटा, यानी कि अब देखो रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक ट्रिक है कि चार्ज देख लो, अगर चार्ज घटेगा, अगर चार्ज घटेगा तो वो रिडक्शन में गया, अगर चार्ज बढ़ेगा तो वो ऑक्सीडेशन में, चार्ज बढ़ना ऑक्सीडेशन, चार्ज घटना रिडक्शन, तो ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल है, ये उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि ये तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है। और मैं दूसरे शब्दों में ये बोल सकता हूं कि अगर मैं जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल देखूं तो कैसे देखूंगा, तो आयुपैक क्या करता है, आयुपैक, ये आयुपैक ने अपने रूल्स के अंदर बोला जो जिस रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वही उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, बट साइन चेंज होगा। कैसे, अगर जिंक का जिंक टू पॉजिटिव में जाना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.75 है तो उसका अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लूं, कैसे जिंक टू पॉजिटिव का जिंक में वो सेम होगा 0.76 लेकिन माइनस, बस फर्क ये, अगर मैं इसका ऑक्सीजन पोटेंशियल निकाल लूं ECU2CU2 पॉजिटिव तो ये कैसे निकाल लूंगा माइनस 0.34। सिमिलरली EAL2AL3 पॉजिटिव 1.77 वोल्ट है, लेट्स कंसीडर 1.76 1.77 के अप्रोक्स है वो, और ये क्या है इसका AL2AL3 को चार्ज बढ़ा तो ये उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर मैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं माइनस 1.77 वोल्ट होगा, तो इस बात से आप क्या समझे, अगर मुझे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, साइन को चेंज कर दूंगा बस। अगर मैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल यूज करूं तो मैं क्या करूंगा, साइन चेंज कर दूंगा। तो अब मैं यहां पे एक बात और सुना देता हूं, आपको जब भी पोटेंशियल मिलेगा इन 12th स्टैंडर्ड, जब भी आपको पोटेंशियल देगा वो इंटरम ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल देगा, आपकी जितनी भी बुक है NCERT है प्रदीप ABC है उसमें हमेशा ही वो जो भी रिडक्शन पोटेंशियल देता है वो हमेशा इंटरम ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ही देता है। तो अगर मैं इसको इंटरम ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं तो इंटरम ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल तो कैसे लिखूंगा, ई सेल रिडक्शन है प्लस में रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल एट कैथोड एंड माइनस, क्यों
क्योंकि ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में जा रहे हैं, वैल्यू सेम रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड एंड। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा ये चीज कैसे। मान लो आपको गिवन है ई जेड एन टू पॉजिटिव जेड एन इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट और ई सी यू टू पॉजिटिव टू सी यू 0.34 वोल्ट और आपको बोल दे कैलकुलेट ई सेल, ई सेल क्या होगा? तो दोनों टर्म किसमें है? ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। कैसे रिडक्शन पोटेंशियल? चार्ज देख लो, चार्ज टू पॉजिटिव से जीरो पे गया, घटाया बढ़ा घटा, रिडक्शन पोटेंशियल। टू पॉजिटिव जीरो पे गया, चार्ज घटाया बढ़ा घटा, तो क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। तो अब आप कैसे इसको निकाल लोगे? तो फार्मूला क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड एंड, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड एंड। अब आपको यहां पे ये प्रॉब्लम होगी, आप ये वैल्यू देख के ये बता ही नहीं सकते कि कौन एनोड पे जाएगा और कौन कैथोड पे जाएगा। लेकिन उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, देखो सबसे पहले आप ये देखो कि जो आपको वैल्यू मिली है वो किस चीज में मिली है? रिडक्शन पोटेंशियल मिली है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में मिली है, किससे मिली है? रिडक्शन पोटेंशियल में। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन वैसे काम मिलता है कैथोड पे, ऑक्सीडेशन वैसे काम मिलता है एनोड पे। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रॉन खाने की औकात ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खाने की क्षमता ज्यादा है, वो कहां पे रहेगा? होगा हमेशा ही कैथोड एंड पे। तो जो एंड आपको मिला है, जो दो रोड आपको मिले हैं, जो जिंक है उसके ऊपर है, आप ये देखो वो इन टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब खाने की क्षमता है। और ज्यादा वैल्यू कौन सी है? ज्यादा वैल्यू 0.34 है। तो जो वैल्यू ज्यादा है वैल्यू कहां पे जाएगी? हमेशा कैथोड पे। और जो वैल्यू कम है और कहां पे रही होगी? कहां पे रही होगी? वो एनोड पे। यस, तो फार्मूला लगाओ उसके लिए, क्या होगा? ई सेल क्या रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, कैथोड पे कौन गया? जिसकी इलेक्ट्रॉन खाने की ज्यादा है, ज्यादा किसकी है? 0.34 यानी कि ऊपर का। तो 0.34 माइनस माइनस जीरो माइनस 0.76, 0.34 प्लस 0.76 1.10। यस, अब अगला एक एग्जांपल लगा देता हूं मैं। मान लो आपके पास कोई पोटेंशियल है ई, ए पॉजिटिव टू ए में गया, ए पॉजिटिव से ए में गया, इसका पोटेंशियल आपको दिया 2.37 वोल्ट, 2.37 वोल्ट, और ई बी पॉजिटिव से बी में गया 1.67 वोल्ट। और आपसे उसने पूछ लिया कि ई सेल कितना होगा, ई सेल कितना होगा, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ई सेल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। तो आप यहां पे डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाओगे कि एनोड कौन कैथोड कौन। लेकिन मैंने आपको बताया है अगर वो इन टर्म ऑफ, पहले देखो कि टर्म किस में दे रखा है, देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। कैसे रिडक्शन पोटेंशियल है? कि पॉजिटिव से घट रहा है, पॉजिटिव से घट रहा है। अब ये देखो कि कैथोड पे कौन जाएगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन खाने की क्षमता ज्यादा होगी। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है अपने आप में? रिडक्शन पोटेंशियल अपने आप में इलेक्ट्रॉन खाने की औकात है, और ऑक्सीजन पोटेंशियल अपने आप में इलेक्ट्रॉन खिलाने की। तो 2.37 यानी 2.37, 1.667, तो यहां पे वैल्यू देख के हम ये बता सकते हैं कि 2.37 इज मोर देन 1.67। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉजिटिव से ए में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू बी पॉजिटिव से बी में। तो ये कैथोड पे रहा होगा और ये किस पे रहा होगा? एनोड पे। और ई सेल की इक्वल टू किसके रहा होगा? फार्मूला मेरे पास है, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, कैथोड पे कौन रहा? 2.37 माइनस 1.67 13 और 0, ये यहां पे रहा होगा। यस, यहां पे रहा होगा। तो मैं कह सकता हूं इन टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल।
और यदि इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में इसको देखूं, इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ई सेल इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो सेम रहेगा, लेकिन रिडक्शन का क्या बनाएंगे हम, ऑक्सीडेशन, लेकिन जो वैल्यू रिडक्शन की है वही वैल्यू किस में होगी, माइनस में ऑक्सीडेशन की। तो क्या लिख सकता हूं मैं, ई सेल इक्वल टू, ई सेल इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एट कैथोड, एट कैथोड, यस दिस इज द फॉर्मूला। जैसे इसका एग्जांपल मैं देखता हूं, मान लो लेट अस कंसीडर, तो जैसे मान लो मेरे से पूछा जाए, मेरे को वैल्यू दे ई, ए से ए पॉजिटिव है 2.37 माइनस का, और ई बी से बी पॉजिटिव है 1.37 ये है, और मेरे से पूछे कि ई सेल क्या होगा, तो सबसे पहली बात ये आपको ये देखना है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखा है वो इन टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है या फिर इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपके यदि फार्मूला पता है ना, तो आप सबसे पहले ये करो कि ये देख लो कि वो किस टर्म में है, अगर वो डिफरेंट है ना तो उसको एक ही टर्म में लेके जाओ। बताओ ना उसका एग्जाम्पल भी, अब ये किसी टर्म में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये भी क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, और कौन सा पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन, फार्मूला ये लगेगा। एनोड पे कौन जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन खिलाने की क्षमता ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा खिला सकता है, और जिसकी वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा वैल्यू कौन है टू माइनस टू पॉइंट माइनस है, अब ज्यादा ये होगा तो बी किस पे जाएगा एनोड पे, और ए किस पे जाएगा कैथोड पे, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल क्या हो जाएगा 1.37 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.37 माइनस माइनस प्लस माइनस आएगा तो 7 7 4 3 3 7 2 1 2 3। यस, अब अगला एग्जांपल है, मान लो मैं आपसे पूछूं, मैं आपको तीन वैल्यू दूं, मैं आपको तीन वैल्यू दूं ई ए से ए पॉजिटिव, बी से बी पॉजिटिव, सी से सी पॉजिटिव, माइनस 2.37 माइनस 1.67 माइनस 0.8, और मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कैथोड पे जाना जल्दी कौन पसंद करेगा, ए जाएगा बी जाएगा सी जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा समझ, थोड़ा सा बुद्धि लगा के सोचने का वाला है, कैथोड पे वो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। मैं ये बात लिखवा चुका हूं, बार बार कहता हूं आपको, एनोड, एनोड उसका होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, कैथोड उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो कैथोड पे वो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। यस, तो ये आप इन तीनों में देखो कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, और मैं सबसे पहली बात ये बात आपको बोल चुका हूं कि ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप ये देखो जो आपको पोटेंशियल मिला है वो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिला है या फिर आपको वो रिडक्शन पोटेंशियल मिला है, तो ये कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ये आप कुछ नहीं, आप ये आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिला है, और पूछा क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि कैथोड पे तो रिडक्शन पोटेंशियल वाला ही जाएगा। यस, तो आप इसको पहले लेके आओ रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, या फिर उसको वहीं पे सोल्व कर लो कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम है वो कैथोड पे जाएगा। देखो कैसे, देखो अगर मैं इसको चेंज करूं, रिडक्शन, इन टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ई ए पॉजिटिव टू ए 2.37 साइन चेंज आएगा वैल्यू सेम रहेगी, ई बी पॉजिटिव टू बी 1.67 साइन चेंज होगा, ई सी पॉजिटिव टू सी 0.88 ये इन टर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल आया, सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी आई 2.37
37 तो इलेक्ट्रॉन खाने की उसमें ज्यादा किसकी है, ए पॉजिटिव की, तो ए वाला किस पे रहेगा, एथोड पे रहेगा। यानी कि मैं देखो, अगर देखो तुम इसको यही से कर सकते हो कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा रहेगा वो एनोड पे जाएगा, लेकिन जिसका सबसे कम रहा होगा वो कैथोड पे जाएगा। ये भी सेम है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम किसका है, ए टू ए पॉजिटिव का है, तो कहां पे जाएगा, कहां जाएगा वो कैथोड पे। वो सबसे कम किसका है, ये है, ये कहां जाएगा, एनोड पे। तो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैग्नेटिक इक्वेशन को और पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, हम इसके अंदर गिब्स एनर्जी और फ्री एनर्जी की बात करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, थैंक यू।